भारत में गुरुवार को कोरोना केस के नए रिकॉर्ड के साथ वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड समेत कुछ राज्यों ने जहां पर्याप्त वैक्सीन ना मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, वहीं केंद्र सरकार ने भी राज्यों पर अपना दायित्व न निभाने और बहाना बनाने का आरोप लगाया। तो यहाँ पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि उनके यहाँ कोरोना वैक्सीन का लिमिटेड स्टॉक बचा है और इन राज्यों का कहना है कि अगर वैक्सीन का स्टॉक तुरंत ना मुहैया कराया गया तो वैक्सीनेशन ठप हो जाएगा। और इन तीनों राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इस वक्त की खबर सामने आई, जहाँ बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।